हम लोग वीरभद्र टेम्पल के बाहर आए और यहाँ से बाहर आते देखो पहले हम लोगों ने सीधा कुछ खा लेते फिर यहाँ से आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते। तो पब्लिक हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया था देखो हम लोग रिटर्न वहीं से पहुँच चुके हैं। अभी जैसे हम लोग रिक्शे से उतरे अभी यहाँ से दूसरी बस करके हम लोग को जाने का नरसोबावाड़ी और वहाँ पे जाके मैं आपको आगे कंटिन्यू दिखाता हूँ। वहाँ पे भी एक मंदिर है पंचगंगा और काशी नदी के संगम स्थल पर वो मंदिर है वहाँ पे पहुँच के मैं आप सबको दिखाता हूँ। जब तक ऐसा ऐसे बने रहिए। अभी हम लोग का यडूर का सफर तो बहुत अच्छा रहा है अभी चलते आगे नरसोबावाड़ी की तरफ। सर हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े वहाँ से हमारी बस आएगी काकवाड़ की फिर बस के अंदर बैठ के काकवाड़ जाते फिर यहाँ से दूसरा नरसोबावाड़ी की तरफ। अभी देखो जैसा कि यहाँ से काकवाड़ अभी 15 किलोमीटर है और अभी एक बस गई पूरी एकदम हद से ज़्यादा भर के गई वो बहुत ज़्यादा उसमें पब्लिक चढ़ गई थी तभी हम यहाँ पे रुके। देखो रिटर्न इतने सारे लोग इधर खड़े दूसरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो अगर अभी दूसरी बस आएगी तो आगे जाते काकवाड़ की तरफ। एक बस छूटी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। पब्लिक हम लोग ने जहाँ से सुबह शुरुआत की थी हम लोग रिटर्न वहीं पर पहुँच गए देखो और हम लोग ये कर्नाटक में आके हम लोग मुंबई वाली स्टाइल अपना रहे देखो। चलो हम लोग के बैग आगे टांगने को देख के ना हम लोग को एकदम अजीब समझ रहे इधर ज़्यादातर कोई ऐसा आगे टांगे ना सबके कंधे पे पीछे ही बैग है खाली हमारे कंधे पे ही आगे क्योंकि हम लोग को मुंबई लोकल की आदत है। तभी चलो हम लोग यहाँ से अभी दूसरी बस करते नरसोबावाड़ी के लिए और फिर निकलते नरसोबावाड़ी की तरफ। तो पब्लिक अभी हम लोग को यहाँ से बस नहीं मिली है तो देखो यहाँ पे जीप मिली हम लोग को हम लोग जीप में बैठ के जा रहे हैं नरसोबावाड़ी। अभी यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी बहुत टाइम लगे नरसोबावाड़ी पहुँचने में वहाँ पर पहुँच के फिर आप सबको मंदिर के दर्शन करा दो। तो पब्लिक अभी जैसा कि हम लोग जीप से उतर चुके अरे हम जा रहे देखो नरसोबावाड़ी के अंदर सौरभ तो भाई थोड़ा अच्छा लगा 20 किलोमीटर का सफर तय करके आए थोड़ा सोए 5 मिनट अच्छा लगा थोड़ा अभी फ्रेश लग रहा है अभी थोड़ा अभी मंदिर घूमेंगे 7-8 बजे तक टाइम पास करेंगे यहाँ पे घूमेंगे अच्छे से और फिर मुंबई के लिए निकलेंगे। अभी जैसा कि हम लोग बहुत टाइम है अभी दोपहर के कुछ 12:30 बजे है हम लोग के पास पूरा शाम के 7 बजे तक का टाइम है और हम लोग की गाड़ी रात में 9 बजे तो अभी चलो एकदम दबा के मंदिर घूमते और आप सबको आगे खूबसूरत नज़ारा दिखा दे। समय हम अपने मुंबई से यहाँ पे 450 किलोमीटर दूर आए आज से यहाँ के घर वगैरह देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे और यहाँ की जगह बहुत साफ सुथरी है गौशाला देखिए यहीं से ऐसा भाई भाई लग गए मंदिर की और बहुत तरोताजा ऐसा फील भी हो रहा है। देखो हमारे गांव की मशीन जो यूपी में रहती है इसको हम लोग सरकारी मशीन बोलते हैं। यहाँ पर आपको रास्ते में जाने में बहुत सी मंदिर मिल जाएगी पीछे आदिनाथ मंदिर थी यहाँ पर नागोबा मंदिर ये देखिए मंदिर के आसपास का पूरा परिसर मार्केट आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं स्वीट्स वगैरह मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ होंगी। यहीं से मंदिर का प्रवेश द्वार है नरसोबावाड़ी। यहीं से देखिए आप डायरेक्ट कृष्णा नदी के घाट पे पहुंच सकते हैं जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। यहाँ पे संगम स्थल है पंच नदी और कृष्णा नदी का ये देखिए यहाँ से पूरी चलना पूरी पब्लिक देखिए यहाँ से ऐसा लाइन लगे जा रही है। अभी जैसा कि हमें महाप्रसाद चालू हो चुका है हम जैसे ही पहुँचे वहीं से तभी मैं जा रहा हूँ महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए क्योंकि सौरभ का तो उपवास है। चलो अभी जाते अभी हम लाइन में खड़े के इंतज़ार कर रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए महाप्रसाद करके हो चुका है मेरा सौरभ का जैसे का जो बॉस है। यहाँ मंदिर के बाहर देखिए छोटा सा एक जगह भी बनाया गया है बैठ के आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं धीरे धीरे लाइन मंदिर की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा ही समय और। तो पब्लिक हमारा दर्शन करके हो चुका दिगंबरा महाराज का और एक अच्छी बात यह थी कि सामने से दिगंबरा महाराज का फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था करके मैं आप सबको फुटेज नहीं दिखा पा रहा हूँ। तभी चलो हम लोग दर्शन करके आ चुके देखिए यहाँ पे कृष्णा घाट पे कृष्णा नदी के घाट पे जो कि मैंने आपको बताया था संगम स्थल है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताते हैं फिर 7-8 बजे के आसपास निकलते हैं यहाँ से कौन सा स्टेशन था मिराज स्टेशन पर निकलते हैं
फिर वहाँ से मुंबई की तरफ आगे प्रस्थान करते। सभी हम लोग देखो बैठे बोट में यहाँ पे कृष्णा घाट पे, और अभी जा रहे बोट राइडिंग करने के लिए। ये पूरा कृष्णा नदी का देखो, अभी लोग ऐसा पूरा बोट राइडिंग करके ऐसा घूम के आएंगे फिर यहाँ एंडिंग पे। जैसे अच्छा तो चलो पब्लिक, अब हम लोग नरसोबावाड़ी से निकल रहे आगे आते मेरा स्टेशन की तरफ। अभी हम लोग तो पब्लिक मिल चुकी है, हम लोग पहले आते हैं मेरा स्टेशन, यहाँ मेरा स्टेशन पे पहुँच के आप सबको आगे निकल रहा। सो पब्लिक, हम लोग रिटर्न उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे आज सुबह हम लोग 5:15 थे, और अभी भी टाइम लगभग 4 के आसपास हो गए। तो अभी चलो यहाँ से हम लोग चलते आगे मेरा स्टेशन पे। अभी तो 4:15 बजने आ रहे हैं, हम लोग की ट्रेन रात में 9:00। अभी देखते हम लोग कहाँ टाइम पास करते, कैसा वक्त भी जाते 9:00 तक का। तो पब्लिक, मिराज की ये खूबसूरत यादें हम लोग को हमेशा याद रहेगी। सॉरी मिराज नहीं, मिरज, मेरा स्टेशन, वो कर्नाटक की यादें, वो कोल्हापुर का मंदिर, सब बहुत याद आएगा। मिस यू सो मच मिरज, बहुत जल्द आएंगे हम लोग रिटर्न, और अगली बार आएंगे तो अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे। देख कैसे तो हम लोग पहुँच गए मिराज जंक्शन पे। सो पब्लिक, मिराज जंक्शन पे पहुँचने के बाद मैं और सौरभ वहाँ पे अभी अंदर वेटिंग रूम है, उसके अंदर बैठ के हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे ट्रेन का, जैसा कि बज चुके शाम के 6:00। पब्लिक अभी देखते देखते जैसा कि बज गए शाम के 7:00, तो अभी देखो मेरे को ना अंदर उधर वेटिंग हमें बैठे बैठे बहुत कंटाला आ रहा था, तो सौरभ ये खाली बोलने के लिए बोला, राउंड मार रहे थे तो उसका बैग मैंने ही पकड़ा है, बिना बैग के चल रहा है। बैग का वजन इतना है ना उठाने की मेरी अभी इतना हिम्मत नहीं है, तो भाई को बोला तो इसके लिए फिर मेरे को उठाने के लिए बोल दिया। देखो आप ही बताओ कि ये खूबसूरत नज़ारा हमें फिर देखने के लिए मिल जाएगा, क्या पता मेन फ्यूचर यहाँ पर आए नहीं आए, अभी ज़िंदगी मौका देगी नहीं देगी। मुंबई की लोकल भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक का लोकल भी है। ये मिराज जंक्शन है, मिराज जंक्शन ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है कोल्हापुर के। तो अभी चलो मैं सौरभ भाई को जरा घुमाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में आता है कोल्हापुर के, मतलब वो मेरे थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो गए, असली मज़े देखो पटरी पर घूमने के। और यहाँ से नज़ारा बहुत मस्त दिख रहा है, मैं मतलब ऐसा वीडियो में बता कम पा रहा हूँ, बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बात ये है। नहीं तो फिर बाकी सौरभ से पूछो, सौरभ कितना मस्त दिख रहा है बंटा इधर से, एक नंबर फोटो है मेरा। ये लोग फोटो आने लगे, बता इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगे। आपने आज सबने मेरी आई डी पर देखा मैं कितने दिन के बाद एक पोस्ट किया, बाकी ऐसा फोटो वोटो कैसा डेली पोस्ट करने की आदत नहीं है। ये लोग इन्फ्लुएंसर लोग है, स्पेशल है ये लोग। अभी यहाँ से कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, आप सब देख सकते हो। ये हुई शाम और ये हुई रात, सॉरी मतलब ये रात हुई, अभी तो रात होने बहुत टाइम है। देखो यही लोकल की बात कर रहा था सौरभ, और ये पुणे की लोकल है, इसके आगे लिखा हुआ था पुणे। ये कुत्ते को, यहाँ के कुत्ते लोग ना ऐसा मतलब मुंबई के स्टाइल में सुनते भी नहीं है, ये लोगों को कुछ अलग ही आवाज़ लगती बुलाने के लिए। अभी कैसा चढ़ता ऊपर है या। तो अभी हम लोग फाइनली पटरी क्रॉस करके पहुंच चुके रोड पे, और अभी हम लोग का प्लान है उसको सामने जो ब्रिज है ना, ये देखो वो जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वही ब्रिज पे जाने का हम लोग का प्लान है। फिर वहाँ पे जरा 2-4 फोटो खींचते हैं सौरभ भाई की। लोग पहुँच चुके जैसा कि ब्रिज के यहाँ पे, और ब्रिज के इधर जाने का रास्ता देखो कैसा है। आज सौरभ में से कुछ भी करवा के रहेगा लेकिन फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएगा। अभी ये देखो ऊपर ब्रिज से नीचे स्टेशन कैसा दिख रहा है, अभी वही इंजन के पीछे हम लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, और यहाँ से हम लोग पूरा ऊपर है ये ब्रिज के ऊपर। भाई हुआ फोटोशूट, नंबर क्लास फोटोशूट। अब भाई की जैसे मैंने आईडी टैग किया, आप सब जाके नीचे चेक कर सकते हो अच्छे अच्छी फोटोज। पर मेरा अकाउंट प्राइवेट है। अभी जैसा कि काफ़ी समय है ट्रेन आने में, और ये मौसम फिर से वैसे ही हो गया जैसे सवेरे था,
जब मैं यहाँ से जा रहा था जैसा पूरा क्लाइमेट था सेम टू सेम वैसे ही हो गया। तभी चलो हम यहाँ से कुछ खाते फिर रिटर्न जाते स्टेशन में, जब तक हमारी ट्रेन भी आ जाएगी। तो पब्लिक हमारा खाके हो गया है और हम लोग एकदम गाय गाय भागते भागते है क्योंकि हम लोग ने अनाउंस सुना हमारी ट्रेन जो है ना 3 नंबर पे आ रही है, तो इसके हम लोग गाय गाय में खाए और भागते भागते भी जा रहे 3 नंबर पे। सो पब्लिक हमारी ट्रेन आ गई, देखो सौरभ भाई ऐसे मुंबई। चलो हम लोग जाते आराम करते, आपसे सुबह मिलते हैं डायरेक्ट मुंबई में। चलो भाई।